सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th के चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मैंने इसी चैप्टर के और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए हैं। उन वीडियोस का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। सो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगें, समझ आएं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। आपको गिवन है कि एक एपी है जिसकी शुरू की अगर हम 7 टर्म्स लें तो उसका सम जो है वो 49 है, राइट? तो आप सिंपली जो आपको गिवन है वो आप लिखते रहिए, दिस इज 49। नेक्स्ट आपको गिवन है कि अगर आप फर्स्ट 17 टर्म्स लें तो उसका सम क्या है, 289। आपको फाइंड क्या करना है, सम ऑफ एन टर्म्स। तो हम जानते हैं कि सम ऑफ एन टर्म्स हम कैसे लिखते हैं। एन देखिए, एस 7 के लिए एन को 7 पुट करिए, प्लस 7 माइनस 1 विल बी 6। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने इसे, सो दिस इज 2a प्लस 6t और ये आपका कैंसिल हो गया 7 से, दिस विल बी 7 इंटू 2 14। दिस इज योर इक्वेशन 1। सेकेंड आपको गिवन है कि एस 17 जो है वो क्या हो जाएगा, एन को 17 पुट कर दीजिए, ठीक है? सो सिंपली 2a प्लस 16d, 17 से ये कैंसिल हुआ 17 और 2 इंटू 17 इज 34, सो दिस इज योर इक्वेशन 2। अब यहाँ देखिए, आपके पास दो इक्वेशन हैं और दो वेरिएबल्स हैं a और d, तो इन्हें सॉल्व कर लीजिए। माइनस किया तो साइन यहाँ पर चेंज हो जाएगा, सो ये कैंसिल हो गया, माइनस 10d इज इक्वल टू माइनस 20, सो दिस विल बी d इज इक्वल टू सिंपली 2। अब d को 2 आप पुट कर दीजिए किसी भी एक इक्वेशन में, तो आप यहाँ से अगर फर्स्ट इक्वेशन में रखें तो आप कह सकते हैं 2a इज इक्वल टू 14 माइनस 6 इंटू 2 12। अब a और d की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए कि दिस, सो sn इज इक्वल टू s2, सो दिस एंड दिस विल गेट कैंसिल, सो दिस एंड दिस विल गेट कैंसिल एंड इट्स सिंपल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो जो आपको गिवन है बस वो लिखते रहिए। सिक्स टर्म ऑफ एन एपी, सिक्स टर्म ऑफ एन एपी इज 5 टाइम्स द फर्स्ट टर्म, ठीक है? दूसरा है 11th टर्म, मीन्स a11 एक्सीड्स, ज्यादा है मतलब बड़ी है, ट्वाइस द फिफ्थ टर्म, कितनी बड़ी है, बाय 3। ये दोनों इक्वेशन आपको गिवन है, 8th टर्म आपसे पूछी है, ठीक है? सो 8th टर्म मीन्स आपको a प्लस 7d फाइंड करना है। a6 हम कैसे लिखते हैं, a प्लस 5d और 5a, इसे आप सिंप्लीफाई कीजिए, सो दिस माइनस 4a इज माइनस 5d, सो माइनस माइनस विल गेट कैंसिल। अब सेकेंड इक्वेशन देखिए, a11 आप कैसे लिखेंगे, a प्लस 10d माइनस ट्वाइस ऑफ a5 कैसे लिखेंगे, a प्लस 4d, दिस इज इक्वल टू 3। तो a प्लस 10d माइनस 2a माइनस 8d इज इक्वल टू 3, सो दिस इज a माइनस 2a दैट इज माइनस a और प्लस 2d इज 3। अब a को आप 5/4d पुट करिए, सो 5/4d प्लस 2d इज इक्वल टू 3, एलसीएम लिया, सो दिस विल बी माइनस 5d प्लस 8d और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू 3 इज 12, सो दिस इज, अब डी अगर 4 आ गया तो आप यहां से ए फाइंड कर सकते हैं, 2 4 दैट इज 5। अब आप ये दोनों वैल्यूज यहां पुट कर दीजिए, दिस विल बी, यही आपको फाइंड करना था एंड इट्स सिंपल। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर आपको ये एपी गिवन है, आपको बताना है कि इस एपी की कौन सी टर्म माइनस 77 होगी। तो बेसिकली आपको एन पता लगाना है और nth टर्म आपको गिवन है इज इक्वल टू ए, ए क्या है फर्स्ट टर्म और एन आपको फाइंड करना था। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस इज नेक्स्ट टर्म माइनस माइनस प्रीवियस टर्म, ठीक है? तो माइनस 7 प्लस 2 इज माइनस 5, तो इसे वैल्यूज पुट कर दीजिए, माइनस 77 प्लस 2 इज माइनस 5 एन माइनस 1, सो दिस एंड दिस विल गेट कैंसिल, दिस इज 15। सो इस एपी की 16th टर्म जो है वो माइनस 77 होगी। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है कि माइनस 77 तक इन सारे टर्म्स का क्या सम होगा, ये कहां पर आ रही थी, 16 नंबर पे, सो दिस विल बी 16/2 और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको गिवन है, फर्स्ट टर्म ये है, लास्ट टर्म आपको पता है माइनस 77, सो सिंप्लीफाई कर लीजिए, दिस इज 8 इनटू माइनस 79 एंड इट्स सिंपल। सो द लास्ट क्वेश्चन इज, आपको गिवन है कि फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, nth टर्म इज 45, nth टर्म मींस लास्ट टर्म इज 45, सम आपको गिवन है 400, आपको फाइंड क्या करना है, n और कॉमन डिफरेंस। यहां पे देखिए, अगर लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म गिवन होती है तो हम सम कैसे लिखते हैं, दिस, ठीक है? सो इसे सिंप्लीफाई कीजिए, सो अब आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था, कॉमन डिफरेंस आप फाइंड कर सकते हैं, अगर आपको nth टर्म गिवन है, सो दिस इज 45, दिस इज 5, n आपने मालूम कर लिया और कॉमन डिफरेंस, सो दिस 45 माइनस 5 40,
डिवाइडेड बाय 16 माइनस 1 दैट विल बी 15. डी इज इक्वल टू 8 बाय 3 एंड इट्स सिंपल. सो इस वीडियो में बस इतना ही, और क्वेश्चंस मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी. सो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे. अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टू स्टे इन टच विद मोर सच अपडेट्स. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ.